आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जगन्नाथ पुरी आने के बाद पहले ही दिन हमने किया फैसला जगन्नाथ पुरी के दर्शन करने का, यानी जगन्नाथ पुरी के फेमस जगह है जो भी है वो देखने का। और आप देख सकते हैं ये ऑटो हमने किया था, रिक्शा यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, जो कि मात्र 250 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से पूरे जगन्नाथ पुरी के फेमस स्पॉट दिखाने वाला है हमको। तो पहला स्पॉट देखने के लिए हम आ गए हैं और इस वीडियो में देखेंगे ओमकारेश्वर मंदिर को ही, क्योंकि ये काफी बड़ा है मंदिर। और बाकी के जगन्नाथ पुरी की फेमस जगहें हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। और आते ही आप देख सकते हैं दोस्तों, आप ले सकते हैं महालक्ष्मी देवी के दर्शन यहाँ पे, और इसके बाद हम लेंगे दर्शन शायद नरसिम्हा भगवान के, क्योंकि इसके बाहर लिखा हुआ नहीं है कहीं पे कि ये किन भगवान की मूर्ति है, मगर देखने से तो ऐसा ही लगता है कि ये नरसिम्हा भगवान है। ये देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत नकाशी, सब तरफ यहाँ पे रंगी बिरंगी चित्रकलाएं और बहुत ही नकाशेदार और अद्भुत मूर्तियां आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 360 फोटो शूट है, इस तरह से टूरिस्ट यहाँ पे 360 वीडियो शूट करा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो 360 में देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत सीताराम और लक्ष्मण हनुमान जी की मूर्तियां। अब हम लेंगे दर्शन दोस्तों यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण शिवलिंग के, महादेव के, जो कि आप अब देखेंगे। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री किसी कारण से अभी बंद है, उस टाइमिंग पे जब मैं वहाँ पे गया था। तो आप दूर से ही ले सकते हैं भगवान महादेव के दर्शन। और अब हम देखेंगे और एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत मंदिर। वाकई में यहाँ की सब कलाकारी आप देख सकते हैं, मंदिर की जहाँ कहीं पे भी कलाकारी की है, बहुत ही बढ़िया पेंटिंग्स आपको दिखाई देगी, बहुत बढ़िया यहाँ पे खूबसूरत मूर्तियां आपको दिखाई देगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे है। वाकई में दोस्तों जगन्नाथ पुरी में आने के बाद ये मंदिर मस्ट वॉच है, जरूर देखने जैसा है एक बार तो। और ये देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा यहाँ पे। जनरली हम जब कभी किसी मंदिर में जाते हैं तो ज्यादातर यहाँ वहाँ पे एक से दो या फिर तीन देवता होते हैं, मगर आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग सभी प्रमुख देवी देवताओं की मूर्तियाँ आपको यहाँ पे मिलेगी, नहीं तो फिर पेंटिंग्स तो आपको जरूर दिखाई देगी। और अब हम आ गए हैं और एक बढ़िया सी जगह इस मंदिर में, गायों का यहाँ पे गोठा है आप देख सकते हैं। बहुत कम मंदिर रहे हैं आजकल जहाँ पे गाय का गोठा रहता है। और ये देख सकते हैं आप दोस्तों और एक बढ़िया यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा राक्षस जैसा मुंह जिसके अंदर से आपको जाना होगा। और ये देखिए और एक बहुत से बड़े आकर्षण में आ गए हैं हम इस मंदिर के। 108 भगवान शिव की मूर्तियां यहाँ पे शिवलिंग आपको दिखाई देंगे, 108, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 108 है। और यहाँ पे सब तरफ उन महादेव के शिवलिंग के नाम भी आपको यहाँ पे प्लेट्स पे लिखे हुए दिखाई देंगे। ये देख सकते हैं आप दोस्तों हमारे साथ बहुत दूर दूर से आए हैं भक्त यहाँ पे दर्शन लेने के लिए। काफी यहाँ पे भक्तों की संख्या अक्सर दिखाई देती है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी अलग टाइप्स की यहाँ पे आपको मूर्तियाँ देख सकते हैं आप। ये किसकी है अभी तक पता नहीं, क्योंकि इनका अभी कंस्ट्रक्शन चालू है, डेवलपमेंट चालू है दोस्तों।
और अब आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ के रथ का पहिया, जो कि किसी साल रथ यात्रा में इसका इस्तेमाल हुआ था। जो रथ यात्रा में जो घोष यात्रा होती है ना, यही चक्कर लगते है भगवान जी को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि में यात्रा होती है। अच्छा, जय जगन्नाथ। अभी अभी हमने देखा दोस्तों भगवान जगन्नाथ के रथ का पहिया, जो कि किसी साल रथ यात्रा में यूज हुआ था, जो कि भगवान जगन्नाथ के रथ को लगा था। और ये अभी अभी हमने देखा भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाती हुई मूर्ति। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे है राधा कृष्ण की मूर्ति, जो कि बहुत ही आजू बाजू में आप बहुत अच्छा डेकोरेशन यहाँ पे देख सकते हैं। और बस अभी लगभग खत्म होते ही आया है दोस्तों मंदिर। ये लगभग हमने सब कुछ अभी देखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सा हॉल, जहाँ पे देवी देवताओं की, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलदेव और देवी सुभद्रा के भी यहाँ पे पेंटिंग आपको दिखाई देगी। और ये है मंदिर का टॉप व्यू, ऊपर से छत पे जाके ये है मंदिर का व्यू। और अब बस हमें दो चीजें देखनी है दोस्तों, उसके बाद जो है ये मंदिर, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे वो गाय अभी भी वहीं पे ही खड़ी है आते वक्त जो थी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों बहुत बड़े नंदी जी। और अब हम देखेंगे दोस्तों भगवान शिव का बहुत ही बड़ा स्टैचू, ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ पे भगवान शिव की, इस मंदिर से बाहर आके राइट साइड को ही थोड़ा सा। तो ये था दोस्तों ओंकारेश्वर मंदिर जगन्नाथपुरी का, जो कि एक बार जरूर देखने जैसा है, एक बार जरूर आने जैसा है। 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये जगन्नाथपुरी के मेन मंदिर से। और ये देख सकते हैं आप काजू का झाड़ भी है यहाँ पे बहुत सारे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए ये वीडियो कैसा।